उमा भारती का प्रियंका गांधी पर विवादित बयान, बोली चोर की पत्नी को क्या कहोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 का सियासी पारा चढ़ने के साथ ही नेताओं के बयानों में गर्मी भी बढ़ती जा रही है। नेताओं द्वारा जा रही विवादित बयानों की लिस्ट में अब बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने दुर्ग लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के समर्थन सभा में करने पहुंची थी। इस दौरान उमा भारती ने प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने और सक्रिय राजनीति में आने को लेकर जमकर निजी हमला किया। चोरी के आरोपी की पत्नी को लोग किस नजरिए से देखेंगे, उमा भारती। उमा भारती ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसका पति चोरी के आरोप में हो उसका लोग किस नजरिए से देखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चोर की पत्नी क्या कहलाएगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना या राजनीति में आने से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के अंबेडकर नगर से सांसद हरि ओम पांडे को लेकर कहा कि ऐसी घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति को पार्टी ने टिकट न देकर अच्छा किया। बता दें कि हरि ओम पांडे ने टिकट कटने के बाद पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्टी में पैसा और लड़की सप्लाई करने से टिकट मिलता है। आजम खान ने देश की महिलाओं का किया अपमान। साथ ही उमा भारती ने आजम खान को भी अड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह योगी आदित्यनाथ और आजम खान पर एक ही तरह की कार्रवाई की है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी ने मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए अपनी बात कही थी। आजम खान ने महिलाओं पर घटिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए देश की महिलाओं को अस्मिता पर चोट पहुँचाई है। चुनाव आयोग को चाहिए कि भारतीय दंड प्रक्रिया के तहत महिलाएं अपमान के संबंध में जो भी धाराएं लगती हो आजम खान पर लगनी चाहिए। राहुल गांधी अमेठी से हार रहे हैं, उमा भारती। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर उमा भारती ने कहा कि वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अमेठी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसको आधार पर बनाकर राहुल ने दो सीट से लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने अमेठी से पहले ही अपनी हार मान ली है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।